हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज सर्कुलेटरी सिस्टम का हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा लिया है, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कशन कर लिया था कि डिफरेंट प्रकार के जो एनिमल्स हैं, अलग अलग प्रकार की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले, जिनका हैबिटेट हैबिटेट सबका अलग अलग है, उस हिसाब से सर्कुलेटरी सिस्टम किस एनिमल में किस प्रकार का पाया जाता है, ये हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। और उस लेक्चर के लास्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली दो तरह का होता है, एक ओपन टाइप का होता है और दूसरा क्लोज टाइप का होता है। ओपन टाइप के सर्कुलेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो थोड़ा था, जिनकी बॉडी एक्टिविटी कम है, जिनमें मेटाबॉलिज्म का रेट स्लो है, जिनमें ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड नहीं है, ऐसे एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। और हमने आपको ये भी बताया था कि बॉडी टिश्यूज अर्थात की जो बॉडी सेल्स हैं और ब्लड, इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता था, और ऐसी कंडीशन में ब्लड में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसका कोई सेपरेशन नहीं था। ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन की जो सप्लाइंग एफिशिएंसी होती थी इस सिस्टम में, वो कम होती थी। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हुआ, बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली गई इन ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, उसी प्रकार से सर्कुलेटरी सिस्टम में भी अब ग्रेडेशन होता चला गया। और ऐसे एनिमल्स जिनमें कि रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, उनमें क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया गया। और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने आपको बताया था कि ब्लड जो होता है, दैट रन्स इन क्लोज्ड वेसल्स द आर्टरीज एंड वेन्स। आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द ब्लड विद द बॉडी टिश्यूज, सो द ऑक्सीजन सप्लाइंग एफिशियंसी वॉज ऑफ हाई लेवल बिकॉज देयर इज द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये सारी कहानी हम लोगों ने देख लिया था। आज हम इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अपने सेकेंड पार्ट में उससे आगे चल रहे हैं। ध्यान रहे कि ये जो हमारा लेक्चर है, इसको हम सभी प्रकार के विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके पढ़ा रहे हैं। एक तो नीट के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, खास करके उनको हमने ज़्यादा फोकस किया है अपने इस लेक्चर में, और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी गोइंग, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो कि ग्रेजुएशन में हैं या पीजी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम अपने इस लेक्चर में थोड़ा मतलब लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड रखेंगे, ताकि उनका भी काम इसमें हो सके। तो इस तरह से लेक्चर जो होगा, ये फोकस करके नीट के विद्यार्थियों के लिए, हम आपको बीच में बताते रहेंगे कि नीट में इतना है, जो एक्स्ट्रा कवरेज होगा इसमें वो हम आपको बताएंगे कि ये ग्रेजुएशन में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल के, और जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं, उनके काम आएगा ये। ठीक है, तो चलिए और स्टार्ट करते हैं आज अपना ये लेक्चर, हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पार्ट सेकंड। आज इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, ये इसका एक ओवरव्यू हम देखेंगे कि कितने प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो सर्कुलेशन, हमेशा ध्यान रहे, सर्कुलेशन का पर्पज़ हमने आपको अपने पहले लेक्चर में बताया था कि द पर्पज़ ऑफ सर्कुलेशन इज जस्ट टू ट्रांसपोर्ट द इसेंशियल थिंग्स इन द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी। इसेंशियल थिंग्स में हमने आपको न्यूट्रिएंट बताया था, ऑक्सीजन बताया था, हार्मोन्स बताया था, एंजाइम्स बताया था। ध्यान रहे कि इन सब का सर्कुलेशन लिक्विड मीडियम में होता है, यानी कि फ्लूड में होता है। तो जो सर्कुलेट हो रहा है वो फ्लूड है। अब चूंकि वो फ्लूड हमारी बॉडी का है, इसलिए उसको हम बॉडी फ्लूड बोलेंगे। यानी कि एक कॉन्सेप्ट यहां पर उठ रहा है कि ये जो सर्कुलेशन किसका हो रहा है, तो सर्कुलेशन बॉडी फ्लूड का हो रहा है। राइट, किस चीज का सर्कुलेशन हो रहा है? बॉडी फ्लूड का सर्कुलेशन हो रहा है, जो हमारे शरीर के अंदर है। अब हमको यहां ध्यान देना है कि कौन से बॉडी फ्लूड का सर्कुलेशन होता है और बॉडी फ्लूड कितने टाइप का होता है हमारे शरीर के अंदर। तो आइए, और सबसे पहले हम एक छोटे से डायग्राम से यह समझते हैं कि बॉडी फ्लूड हमारे शरीर के अंदर कितने प्रकार का होता है। द फर्स्ट वन, सपोज दैट इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यू नो इट इज नोन एज सेल। दिस वन इज द बॉडी सेल, यू नो दिस वन इज द बॉडी सेल, एंड इन साइड द बॉडी सेल द लिक्विड दैट इज प्रेजेंट हियर। इसमें जो ये जो लिक्विड मौजूद है यहां पर, दिस वन, दिस लिक्विड इज नोन एज इंट्रा सेलुलर फ्लूड, आईसीएफ।
इट स्टैंड्स फॉर इंट्रा सेल्यूलर फ्लूड, मीन्स दिस इज द बॉडी सेल. यू नो बिकॉज ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन द बॉडी सेल्स टुगेदर फॉर्म द टिश्यू एंड टिश्यूज टुगेदर यूनाइट टू फॉर्म द ऑर्गेन एंड ऑर्गेन फॉर्म ऑर्गेन सिस्टम. तो इस तरीके से बॉडी में डिफरेंट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है. तो यहां पर जो सेल है इट इज द अल्टीमेट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. तो हम सेल का जो इंटरनल एटमोस्फियर है इसमें जो लिक्विड भरा गया है इट इज नोन एज इंट्रा सेलुलर फ्लूड. यू कैन से इट इज द साइटोप्लाज्म. ओके, अब यहां पे जो दूसरा फ्लूड है दैट इज रनिंग इन क्लोज्ड वेसल्स. हायर केसेस की अगर हम बात करें तो इस तरीके से ये जो क्लोज्ड वेसल्स हैं इसके अंदर जो लिक्विड यहां पर सर्कुलेट हो रहा है यू कैन से दिस इज द ब्लड वेसल. दिस वन इज द ब्लड वेसल एंड द लिक्विड सर्कुलेटिंग इन दिस इज द ब्लड. दिस वन इज द ब्लड, इट इज सर्कुलेटिंग हियर. द लिक्विड दैट इज प्रेजेंट इन साइड द सेल इज नोन एज ICF और इंट्रा सेलुलर फ्लूड एंड द लिक्विड विच इज प्रेजेंट इन द क्लोज्ड ब्लड वेसल इज नोन एज ब्लड. एंड हियर द लिक्विड विच इज प्रेजेंट हियर इन बिटवीन द ब्लड वेसल्स एंड द बॉडी सेल इज नोन एज ECF. इट इज ऑल्सो नोन एज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूड. यू नो दिस वन. तो पहला जो लिक्विड यहां पर अभी हमने आपको बताया है द फर्स्ट लिक्विड दैट इज द ICF. इट इज प्रेजेंट इन साइड द सेल. ये जो ICF इंट्रा सेलुलर फ्लूड है ये चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर एनिमल हो इन सभी की बॉडी में पाया जाता है. ठीक. दूसरा जो लिक्विड यहां पर है ऐसे हायर एनिमल्स में जिनमें की ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट हो गया है, मींस द ब्लड इज रनिंग इन क्लोज्ड वेसल्स. जैसे कि हम कार्डेट एनिमल्स की बात कर रहे हैं जहां पर क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है. तो यहां पर वेसल्स के अंदर बहने वाले लिक्विड को हम क्या नाम दे रहे हैं, इट इज द लिक्विड नंबर टू या बॉडी फ्लूड दैट इज ब्लड. नाउ द थर्ड वन दैट इज ECF. ये तीसरा लिक्विड है. तो कितने लिक्विड आपने समझ लिया. पहला लिक्विड है ICF इंट्रा सेलुलर फ्लूड प्रेजेंट इनसाइड द सेल. ये जो दूसरा लिक्विड है इट इज द ब्लड. तीसरा जो लिक्विड है इट इज ECF. थर्ड लिक्विड इज ECF एंड द फोर्थ लिक्विड इज लिम्फ. नाउ वेयर इज दिस, ये लिम्फ कहां पर है आपको इसे समझना है. ये जो ब्लड यहां पर है, जो ब्लड इसमें फ्लो कर रहा है, तो इसमें जो ब्लड कैपिलरी है या ब्लड वेसल्स है इन ये ऑर्गेन्स में जाकर के कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाती है. आर्टरी से आर्टेरियोल कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाएगी. कैपिलरी की जो दीवार होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं और जो लाइनिंग होती है उसको हम एंडोथेलियम कहते हैं. तो इस प्रकार से ब्लड कैपिलरी की जो एंडोथेलियल लाइनिंग है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं और आर्टरी में प्रेशर की वजह से, बिकॉज ऑफ द प्रेशर, क्योंकि आपको पता है कि आर्टरीज और वेन्स दो ये वेसल्स होती हैं जिनमें ब्लड फ्लो करता है. आर्टरीज में ब्लड का जो प्रेशर होता है वो वेन्स की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है. बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस हियर. यहाँ पर ब्लड फिल्टर हो करके ब्लड के फिल्ट्रेशन से लगातार यहाँ पर एक लिक्विड डिपॉजिट होता रहता है जो कि बॉडी सेल्स और ब्लड वेसल्स दोनों के बीच में यहां पर होता है. इसलिए यहां पर इंटरस्टिशियल स्पेस है. दिस स्पेस इज नोन एज, यहां पे जो स्पेस है हम इसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे. दिस वन इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस. इंटरस्टिशियल स्पेस मींस द स्पेस बिटवीन द ब्लड वेसल एंड द सेल एंड दिस लिक्विड इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड. फ्रॉम वेयर दिस इज कमिंग, दिस इज कमिंग बिकॉज ऑफ फिल्ट्रेशन. तो आप जो देख रहे हैं यहां पर कि ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियल पोर से ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं यहां पर और इनके पोर से बिकॉज ऑफ द प्रेशर स्क्वीजिंग होती है यहां पर ब्लड की और इस तरीके से स्क्वीजिंग से
ब्लड फिल्टर होकर के बाहर आ रहा है और डिपॉजिट हो रहा है इन बिटवीन द सेल्स, बॉडी सेल्स एंड द ब्लड कैपिलरी, दैट इज नोन एज द एंटर स्पीसियल स्पेस, यहां पर आकर जमा हो रहा है, हमने इसको ईसीएफ का। इस तरीके से ये तीन लिक्विड आप समझ चुके हैं, पहला है आईसीएफ जो कि ब्लड में होता है, दूसरा होता है जो खून की नली में बहता है उसको हम खून बोलेंगे, ब्लड बोलेंगे, तीसरा जो है ये ईसीएफ है जो कि ब्लड कैपिलरी के एंडोथेलियल पोर से फिल्टर होकर के ये डिपॉजिट हो रहा होता है सेल्स और ब्लड के बीच में, एंड दिस प्रिपेयर्स द मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स। यानी कि यहाँ जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है इसमें और इस बॉडी सेल को, क्योंकि अल्टीमेट रिक्वायरमेंट कहाँ पर है, ब्लड के द्वारा लाए गए इसेंशियल मटेरियल्स का यूज कहाँ पर है, वो सेल के अंदर है, और सेल के अंदर जो अनवांटेड एक्सक्रेटरी मटेरियल्स बनते हैं या फिर और ऐसे मटेरियल्स जिनको कि हम एक्सपोर्ट करना है किसी दूसरे सेल के लिए, तो वो निकल कर यहाँ जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक्सचेंज हो रहा है वो ये इस तरह से अगर आप देखें तो एक्सचेंज ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है उसके लिए जो एक्सचेंजिंग मीडियम है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, राइट। अब आइए और हम इस बात को समझते हैं कि लिम्फ क्या चीज है, व्हाट इज लिम्फ। दरअसल में यह जो फिल्ट्रेशन के बाद जो लिक्विड यहां कलेक्ट हो रहा है इसकी एक लिमिट है, जरूरत से ज्यादा लिक्विड अगर यहां डिपॉजिट हो रहा है तो यह एक एबनॉर्मल कंडीशन कहलाएगी जिसको हम एडिमा कहते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि द लिक्विड विथ इफ डिपॉजिट्स इन एक्सेस इन द इंटरस्टीशियल स्पेस दिस ब्रिंग्स द कंडीशन दैट इज नोन एज द एडिमा। इसलिए बॉडी में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो स्वेलिंग जब भी होगी जब इंटरस्टीशियल स्पेस में लिक्विड डिपॉजिट होने लगेगा। लेकिन यहां ध्यान रहे कि डिपॉजिशन जरूरी है क्योंकि एक मीडियम है जिसके थ्रू एक्सचेंज होता है, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। अब फिक्स कैसे होगा, क्योंकि लगातार यहां पर फिल्ट्रेशन हो रहा है तो फिर यहां से ड्रेनेज भी होना चाहिए। अगर ब्लड फिल्टर करके इंटरस्टीशियल स्पेस में लिक्विड यानी ईसीएफ डिपॉजिट हो रहा है तो यहां से इसका ड्रेनेज भी होना चाहिए। अगर ड्रेनेज नहीं होगा तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो ये कंडीशन एडिमा कहलाएगी, यहाँ पर स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। तो एडिमा जो होता है वो लोकलाइज्ड भी हो सकता है और थ्रू आउट द बॉडी भी हो सकता है। इसके डिफरेंट रीजन्स होते हैं, आप आगे पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल कंडीशंस बिहाइंड द एडिमा कंडीशन, कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन वो कौन कौन सी हैं जिस आधार पर एडिमा का फॉर्मेशन होता है। तो हम एडिमा बनने में भी हम नहीं जा रहे हैं, केवल इतना बता रहे हैं कि अगर ईसीएफ ज़्यादा डिपॉजिट होगा जरूरत से ज़्यादा तो एडिमा का फॉर्मेशन होगा, लोकलाइज्ड ऑर्गेन्स में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। तो इसका सीधा मतलब ये हो गया कि इफ़ दिस लिक्विड इज कंटिन्यूअसली कमिंग टू ऑक्यूपाई द इंटरस्टीशियल स्पेस एज द ईसीएफ, इफ दिस प्रोसेस इज कॉन्टिन्यूड ड्रेनेज शुड ऑल्सो बी कॉन्टिन्यू टू मेंटेन द वॉल्यूम ऑफ दिस ईसीएफ हियर। यानी कहने का मतलब कि यहां पर इसका ड्रेनेज होना चाहिए। अब इसको ड्रेनेज करने के लिए क्या होगा, अब आपको यह पता है कि किसी भी ऑर्गेन में अगर हम देखें, किसी भी ऑर्गेन में क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो प्योर ब्लड तो आता है लेकिन रिटर्निंग ब्लड जो यहां से होता है वो वेन्स के थ्रू होता है। अब आगे से यह जो ब्लड जा रहा, दिस वन इज वेन। आप किसी भी ऑर्गेन में अगर बात करेंगे तो ये वेन्यूल है, वेन्यूल फाइन ब्रांच ऑफ द वेन। अब यहां से अगर हम देखें तो ये जो ईसीएफ है जो ब्लड में फिल्टर हुआ उस ऑर्गेन के चारों तरफ, तो इसका लगभग 90% कितना, लगभग 90% ये जो ईसीएफ है इट इज अगेन टेकन बैक इन टू द वेन्स। ध्यान दीजिए कि जितना ईसीएफ बन रहा है इसका लगभग 90% 90% दिस ईसीएफ इज अगेन टेकन इन टू द वेन्स। यानी कहने का मतलब ईसीएफ का रिटर्न हो रहा है किसके थ्रू, वेन्स के थ्रू, और यहां से इसका रेस्ट जो 10% अमाउंट है, दिस रेस्ट 10% अमाउंट इंटर्स अनदर वेसल हियर एंड दिस वेसल इज नोन एज द लिम्फ वेसल। क्या बोलेंगे इसको, हम इसे बोलेंगे लिम्फ वेसल। दिस वन, या इसी को हम लिम्फैटिक्स बोलते हैं, लिम्फैटिक्स।
तो अब आप यहां पर ये देख रहे हैं कि 90% तो टर्न अप हो गया, अगर देखें ईसीएफ इधर चला गया वेन्स में, एंड रेस्ट जो 10% है, दिस अमाउंट एंटर्स हियर, दिस 10% अमाउंट टेकन हियर थ्रू द लिम्फेटिक्स, ये इसका अमाउंट कितना है, दिस वन इज 10%. 90% ऑफ ईसीएफ ज्वाइंस हियर द वेन एंड रिमेनिंग 10% इज सर्कुलेटेड थ्रू द लिम्फेटिक्स लिम्फ वेसल्स. यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो ईसीएफ फिल्ट्रेशन के थ्रू यहां डिपॉजिट हो रहा था, इसका 90% कहां चला गया, ये वेन्स में चला गया. बचा कितना, इसका 10%. तो ये 10% यहां से लिम्फेटिक्स में आता है, और लिम्फेटिक्स ये आगे इस ईसीएफ को ले आकर कहां डाल देती हैं, आगे ले आकर के ये चैनलाइज हो जाती हैं, किसमें, ये आकर यहां पर इस ईसीएफ को डिस्चार्ज कर देते हैं. इस तरह से जो ईसीएफ इसमें आया है, ये यहां से आ करके वेन में आता है. यानी कहने का मतलब कि टोटल रिटर्न जो हो रहा है वो चाहे वेन्स में डायरेक्ट हो रहा हो या फिर लिम्फेटिक्स के थ्रू हो रहा हो, रिटर्न हो करके आना वापस कहां पर है, वेन्स में, और जा करके ये फिर ब्लड वॉल्यूम को क्या कर देता है, मेंटेन कर देता है. इसका मतलब ये हो गया कि जब कभी भी आप देखेंगे तो ईसीएफ का एक निश्चित जो वॉल्यूम है, दैट इज फाउंड इन बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड द ब्लड वेसल्स, दिस प्रिपेयर्स द एक्सचेंज मीडियम फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स एज पर रिक्वायरमेंट, राइट. एंड हियर दिस ईसीएफ अगेन चैनलाइज्ड बैक टू द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम थ्रू टू डिफरेंट रूट्स, द फर्स्ट वन दैट इज थ्रू द वेन्स एंड द सेकेंड वन दैट इज थ्रू द लिम्फेटिक्स. वॉट इज द प्रपोर्सन, आई टोल्ड यू दैट मेजर प्रपोर्सन, दैट इज 90% ईसीएफ रिटर्न्स बैक टू द वेन्स डायरेक्टली, एंड रेस्ट 10% रिटर्न्स बैक टू द वेन्स नॉट डायरेक्टली बट थ्रू द चैनल सेपरेट वेसल, एंड इट इज नोन एज लिम्फेटिक्स. इस प्रकार से आपकी बॉडी में ये चौथा लिक्विड है लिम्फ. अब इस लिम्फ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम ये बोलेंगे कि ये जो लिम्फ है इट इज द ईसीएफ व्हाइल सर्कुलेटिंग, इनटू द लिम्फेटिक्स दिस वन. हाउ कैन यू डिफाइन द लिम्फ, इट इज द फिल्ट्रेट ऑफ द ब्लड व्हाइल इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल एंड द ब्लड वेसल, इट इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड, एंड वेन दिस इज सर्कुलेटिंग इन साइड द लिम्फ वेसल इट इज नोन एज लिम्फ, राइट. इतनी बात समझ में आ गई. तो कितने प्रकार के बॉडी फ्लूड्स आपके शरीर के अंदर हैं आप देख लीजिए. ICF द फ्लूड दैट इज प्रेजेंट इन साइड द सेल, इंट्रा सेलुलर फ्लूड और यू कैन से द प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, अनदर वन दैट इज रनिंग इन साइड द ब्लड वेसल्स नोन एज ब्लड, द थर्ड वन दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड इट इज प्रेजेंट इन द इंटरस्टीशियल स्पेस बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड द ब्लड वेसल्स, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड, एंड द लिम्फ व्हेन दिस ईसीएफ इज सर्कुलेटिंग इन टू द लिम्फ वेसल्स इट इज नोन एज लिम्फ. तो इसी ईसीएफ को हम लिम्फ कहते हैं, ठीक. यहां आपको ध्यान देना है, अभी हम लिम्फ के बारे में और डिटेल डिस्कशन करेंगे, इसका कॉम्पोजिशन देखेंगे कि क्या क्या होता है. बेसिकली चार प्रकार के बॉडी फ्लूड्स बताने का पर्पज हमारा यहां पर था, जो हमने आपको समझा दिया है. तो इस तरह से ये ब्लड वेसल, इसके अंदर बहने वाला ये ब्लड है. अब ध्यान रहे कि ये रिसाइकल्ड बैक हो जाता है, यहां से चलकर वापस ये हार्ट में आएगा. इसके पहले ये हार्ट में जाकर, यहां हार्ट से जाकर के रेस्पिरेटरी ऑर्गेन में आएगा. रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स में इसका प्यूरिफिकेशन होगा, अगेन रिटर्न बैक टू द हार्ट. लेकिन जब ये हार्ट में आएगा तो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. जब ये हार्ट में आएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. नाउ दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन सर्कुलेट्स लाइक दिस, इस तरह से. तो अब आप अगर देखें तो निश्चित रूप से जो ईसीएफ जो अभी ब्लड वेसल्स और बॉडी सेल के बीच में भरा हुआ था, रिसाइकल बैक हो करके वापस हार्ट में आकर के ब्लड का हिस्सा बन गया. इसका यह मतलब हो गया कि ब्लड का एक फिक्स प्रपोर्शन फिल्टर हो करके
हमेशा कहाँ रहता है, बॉडी सेल्स और ब्लड वेसल्स के बीच में, इंटरस्टिशियल स्पेस में रहता है, जिसको ECF कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सभी को, राइट? कितने प्रकार के बॉडी फ्लूड्स हो गए आपकी बॉडी में? चार तरह के, जो हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है। अब क्वेश्चन ये है कि सर्कुलेशन किनका होता है, तो क्या ICF का सर्कुलेशन होता है? नो, इट इज कॉन्स्टेंट एंड प्रेजेंट इनसाइड द सेल। देयर इज वेल डिसिप्लिन्ड एटमोस्फियर इनसाइड द सेल एंड इट्स प्राइवेसी इज मेंटेन्ड बाय द लिमिटिंग मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यू कैन से द प्लाज्मा लेमा। द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटेरियल्स आइदर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट इज अलाउड थ्रू दिस एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट यू विल स्टडी इन सेपरेट चैप्टर, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये सारी बातें आप सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। बस ट्रांसपोर्टेशन बायोमोलिक्यूल्स का होता है मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस, लेकिन इस सेल के अंदर जो लिक्विड भरा गया है ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। ऑलमोस्ट इसका जो कॉम्पोजिशन होता है इट इज ऑल्सो फिक्स्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द ब्लड विच इज रनिंग इन साइड द ब्लड वेसल। यू नो दैट द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड इज ऑल्सो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, बहुत ही माइनर चेंज किसी भी बायोमोलिक्यूल के कंसंट्रेशन का इसमें हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली बॉडी का जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है उसके कंसंट्रेशन को ये फिर मेंटेन कर लेगा। उदाहरण के लिए जैसे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज की बात कर लें, तो ग्लूकोज का एक फिक्स कंसंट्रेशन होता है, माइनर फ्लैक्चुएशन प्लस माइनस मील लेने पर, खाना खाने पर होता है, फिर उसके बाद कम होता ज़्यादा होता है, ये थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन चलता है, लेकिन एक एवरेज जो इसकी क्वांटिटी होती है वो मेंटेन होती है। कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट एक निश्चित मात्रा में मेंटेन होता है, यूरिया का अमाउंट एक निश्चित मात्रा में, यानी कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा में जो डिफ्यूज्ड मटेरियल्स होते हैं इनकी एक फिक्स्ड क्वांटिटी हमेशा बनी रहती है ब्लड में, और प्लाज्मा का कंसंट्रेशन भी फिक्स होता है। ह्यूमन बींग में हमने आपको डिस्कशन किया था और बताया था कि इट इज 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। नाउ यू कैन सी हियर इनसाइड द सेल द कंसंट्रेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म, कंपोजिशन ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, and the composition of blood that is running inside the blood vessel, it is also constant. To some extent here, you can see the ECF. ECF का जो composition है, it is not constant. It is gradually changing. ये इस पर depend करता है कि ECF कहाँ पर है। यानी कि ECF अगर इंटरस्टीशियल स्पेस में है तो कंसंट्रेशन इसका कुछ और होगा, इसका कॉम्पोजिशन कुछ और होगा, लेकिन लिम्फ वेसल्स में जब ये चलेगा तो ये लिम्फ वेसल्स के बीच बीच में क्या होता है कि जब लिम्फ वेसल्स बॉडी में, आप लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे आपको लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी का, तो ये जो लिम्फ वेसल्स होती हैं दीज पास थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ नोड्स एंड दीज नोड्स आर नोन एज लिम्फ नोड्स, इनको हम लिम्फ नोड कहते हैं, जहां पर जाकर के इस ECF में कुछ खास प्रकार की ब्लड सेल्स का लेवल बढ़ जाता है जिनको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं, कुछ खास प्रकार के एंटीबॉडीज यहां पर बढ़ जाते हैं, कुछ खास प्रकार के प्रोटीन्स बढ़ जाते हैं। तो वाइल सर्कुलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ECF इज ग्रेजुअली चेंजिंग, इट इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन इट्स सिचुएशन कि ये किस तरीके से कहां पर है, किस ऑर्गेन में, किस कंडीशन में है। तो ECF का कंपोजिशन चेंज होता रहता है लेकिन ब्लड का कांस्टेंट रहेगा। इंटरस्टिशियल स्पेस में, सॉरी, ये जो सेल है, सेल के अंदर भरा हुआ इंट्रा सेलुलर फ्लूड, इसका भी लगभग कांस्टेंट होता है, राइट? तो चारों प्रकार के बॉडी फ्लूड्स आप समझ गए। हमारी बॉडी में सेल साइटोप्लाज्म का सर्कुलेशन नहीं होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और किसका होता है? ECF। जब ECF लिम्फ वेसल में आता है तो इसको लिम्फ कहते हैं। मीन्स देयर आर टू काइंड ऑफ लिक्विड्स इन आवर बॉडी that have to be circulated throughout the body and these are the blood and other lymph. इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो यहां से इसको मिटाकर अब हम आगे बढ़े। एनी क्वेश्चन, एनी ऑफ यू? नो क्वेश्चन। चलिए और इसके आगे अब हम डिस्कशन करते हैं और बात करते हैं कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये कितने प्रकार का है।
नाउ कम टू सी द टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हियर बेस्ड ऑन द मटेरियल टू बी सर्कुलेटेड. सर्कुलेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी इज ऑफ टू टाइप. दिस वन इज ऑफ टू टाइप. द फर्स्ट वन इज दैट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द सेकेंड वन दैट इज लिम्फैटिक सिस्टम. नाउ हियर वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. तो दो तरह के ये लिक्विड हो गए जिनका सर्कुलेशन होना है, आपको समझ में आ गया है. हम लिम्फ और लिम्फैटिक सिस्टम के बारे में चर्चा बाद में करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड और इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में. तो लेट्स कम टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द ब्लड. हम ब्लड की बात करेंगे सबसे पहले दिस वन. व्हाट इज द ब्लड? Firstly, you can say it is the tissue. It is known as vascular connective tissue. This one. It is the vascular connective tissue. ये ऐसा connective tissue है जिसका circulation हो रहा है, पूरी body में run कर रहा है, liquid form में है, इसीलिए इसका circulation होता है. इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दिस कनेक्ट द बॉडी पार्ट्स. एक ऑर्गेन को दूसरे से कनेक्ट करके उनकी इसेंशियलिटी को देख करके उनको जरूरी मटेरियल्स को सप्लाई करता है और वहाँ से आवश्यक जो मटेरियल जिनको बाहर जाना है उनको वहाँ से कलेक्ट कर लेता है. तो इस तरीके से सबसे पहली बात जो ब्लड के लिए है दैट इज इट इज वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू. दिस वन इज द सॉफ्टेस्ट टिश्यू. Softest tissue in our body. ये सबसे मुलायम टिश्यू होता है. क्यों होता है? क्योंकि फाइबर्स नहीं होते. कनेक्टिव टिश्यू में आलू मालूम है कि कितने प्रकार के कॉम्पोनेंट होते हैं? थ्री काइंड ऑफ कॉम्पोनेंट्स, सेल्स, फाइबर्स एंड मैट्रिक्स. जिनमें से जो फाइबर्स होते हैं अगर ये क्लोज पैकिंग है तो उस टिश्यू को डेंस बना देते हैं, और अगर इसमें मिनरल का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाए जैसे कि बोन्स में और कार्टिलेज में होता है तो ये फिर हार्ड हो जाते हैं. एंड यू नो बोन इज हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी. हार्डेस्ट टिश्यू कह सकते हैं. कनेक्टिव टिश्यू सभी प्रकार के टिश्यू में हार्डेस्ट टिश्यू है बोन. और सॉफ्टेस्ट टिश्यू कौन है? दैट इज द ब्लड, बिकॉज इट इज इन लिक्विड फॉर्म एंड नो फाइबर फाउंड हियर. द थर्ड वन विच इज ट्रू अबाउट द ब्लड, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड हियर दैट द ब्लड इज False connective tissue. This one is false connective tissue. The third point which is applied here for the blood, it is the false connective tissue. Why it is called as false connective tissue? False connective tissue means आपको पता होना चाहिए कि जो real connective tissue होते हैं उनमें तीन प्रकार के components होते हैं. कौन कौन से? सेल्स होती हैं, फाइबर्स होते हैं और मैट्रिक्स होते हैं. मींस जो रियल कनेक्टिव टिश्यू होता है, रियल कनेक्टिव टिश्यू इक्वल्स टू सेल प्लस फाइबर्स प्लस मैट्रिक्स. सी एफ एंड एम. नाउ हियर इन ब्लड व्हाट हैपेंस हियर इन ब्लड? In blood, as it is the false connective tissue, cells are found, fibers not found, matrix found. Means, here, in this case, cells are present, cells found, fibers are absent, and matrix found. Because all the three essential components are not found here, सारे ये तीनों components नहीं पाए जाते, केवल दो होते हैं, fibers यहाँ नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ब्लड को हम क्या नाम देते हैं? इसलिए हम ब्लड को बोलते हैं कि ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है. राइट? इट इज फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू.
अब इसके बाद अगर हम बात करें कि इसको फॉल्स एक एंगल से और भी कहते हैं कि जो सेल्स यहाँ पर होती हैं ब्लड सेल्स, ये ना तो फाइबर बनाती हैं, ना ही इनमें डिवीज़न होता है और ना ही ये मैट्रिक्स का सेक्रीशन करती हैं। ये जो सेल्स यहाँ पर पाई जाती हैं डू नॉट डिवाइड, सेल्स इन ब्लड डू नॉट डिवाइड, दीज हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन। सेल्स ऑफ द ब्लड डू नॉट डिवाइड हैव फिक्स्ड लाइफ स्पैन। ये अपनी स्टेम सेल से बनने के बाद कुछ दिनों तक, कुछ घंटों तक जिंदा रहती हैं, बाद में इनकी डेथ हो जाती है। तो एक एवरेज लाइफ स्पैन हम काउंट करते हैं इनके लिए। यानी कहने का मतलब कि ये सेल्स एक बार बनने के बाद अपनी प्रोजेनी जनरेट नहीं करती हैं, बस इन्हीं से अंत होता है। इसलिए रेगुलरली न्यू सेल्स हमारी बॉडी में जितनी डेथ होती है उतना ही हमारी बॉडी में इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल स्टेम सेल्स होती हैं बोन मैरो में या अन्य किसी ऑर्गेन में, वहाँ से ये रीजनरेट हो जाती हैं। तो इस प्रकार से इनमें सेल्स में पावर ऑफ डिवीज़न नहीं होता, डू नॉट डिवाइड, Do not secrete fiber. You know, in other connective tissues that are the real connective tissues, the cells found in real connective tissues responsible for the formation of fibers. But here the fibers and matrix not secreted. Right? तो इस तरह से blood को हमने ये justify किया कि एक term जो हम इनके लिए blood के लिए हम जो एक बात यहाँ पर लिखे बैठे हैं कि ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होता है, दिस वन। तो फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू हमने क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि इसके ये कारण है कि इसमें फाइबर्स नहीं होते, इनकी जो सेल्स होती हैं उनमें पावर ऑफ डिवीजन नहीं होता है और ये फाइबर्स का निर्माण नहीं करती। इन सभी कारणों से ब्लड को हम फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इट इज द सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट इज इन लिक्विड फॉर्म एंड सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी। इट इज ऑल्सो नोन एज द वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। राइट नाउ व्हाट इज द ओरिजिन? If you go to search here, the blood is completely mesodermal in origin. Connective tissue body में जो भी होते हैं उन सब की origin किससे होती है? Mesoderm से होती है। तो इसलिए आपका पूरा जो blood vascular system है वो कैसा होता है? Whole the blood vascular system arises from embryonic mesoderm. If you see the origin of the blood, origin, the complete blood vascular system originates from द मेसोडर्म। इसलिए अगर हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के ओरिजिन की बात करें तो इट अराइजेज फ्रॉम द मेसोडर्म। राइट, इस तरह से आपने ये देखा ब्लड के बारे में सामान्य जानकारी, इसकी ओरिजिन, इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन हमने किया यहाँ पर। अब बात करेंगे ब्लड के कॉम्पोजिशन की। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड? Now come to the composition of blood.
नाउ कम हियर टू सी व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड. मेड अप ऑफ टू कॉम्पोनेंट्स. द फर्स्ट वन दैट इज लिक्विड पार्ट. ऑल्सो नोन एज ब्लड प्लाज्मा. इट इज नोन एज ब्लड प्लाज्मा. एंड दिस कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 55% पार्ट ऑफ द ब्लड. रेस्ट हियर द सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड. दिस वन इज द सॉलिड पार्ट ऑल्सो नोन एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स सॉलिड पार्ट. दीज आर यू कैन से द ब्लड सेल्स ऑल्सो. ब्लड सेल्स एंड दीज कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 45% ऑफ टोटल ब्लड. राइट. तो इस तरह से इसको ब्लड के दो कॉम्पोनेंट्स हो गए. वन दैट इज द लिक्विड पार्ट इट इज नोन एज प्लाज्मा एंड द अदर दैट इज द फॉर्म्ड एलिमेंट. दिस इज ऑल्सो द दीज आर द ब्लड सेल्स एंड दीज टोटल कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 45% ऑफ द ब्लड. नाउ हियर कम टू द लिक्विड पार्ट. हियर यू कैन से दैट इट इज द मैट्रिक्स पार्ट ऑफ द ब्लड. मैट्रिक्स पार्ट. And here you can see this one is the cells. But fiber not found in blood. Teen component tha. Kaun kaun sa? Blood cells, fibers and matrix. Here the matrix is blood plasma. It is in liquid form. Blood plasma is the liquid in which the formed elements and other biomolecules are found in suspended form. And here the solid parts. So blood plasma, how can you define this? Blood plasma is the liquid in which the blood cells and other biomolecules are found in suspended form. This one. It is the definition of blood plasma. What is blood plasma? It is the liquid form. It is the matrix form of the blood as connective tissue. And in this, the formed elements and other molecules, organic and inorganic molecules, are found in suspended form. And this is the liquid part and it is 55% by composition. And here, the solid part, this includes the blood cells. हम एक एक करके इन दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे. ये जो ब्लड सेल्स हैं दीज आर बेसिकली ऑफ थ्री टाइप. दीज आर WBCs, RBCs एंड प्लेटलेट्स. दीज RBCs आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स. एरिथ्रोसाइट्स इनको हम रेड ब्लड कॉर्पसल भी कहते हैं. रेड ब्लड कॉर्पसल्स. नाउ हियर दिस वन वाइट ब्लड सेल्स. दिस वन प्लेटलेट्स आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स. राइट. इस तरह से अगर हम इसमें सेल्स की बात करें कि कौन कौन सी सेल्स होती हैं तो ये WBCs होती हैं. दीज डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ पिगमेंट. देयरफॉर आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट. ल्यूको स्टैंड्स फॉर कलरलेस. आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स कलरलेस. दीज डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ पिगमेंट. देयरफॉर दीज आर नोन एज द ल्यूकोसाइट्स. व्हाइट ब्लड सेल्स सफेद रुधिर कणिकाएं.
श्वेत रुधिर कणिका, जिनका कलर नहीं होता कोई। अब अगर हम बात करें आरबीसीज में, इनको एरिथ्रो स्टैंड्स फॉर रेड कलर, एरिथ्रोस स्टैंड्स फॉर रेड कलर, और यहां पर एक पिगमेंट होता है रेड कलर पिगमेंट, रेड कलर पिगमेंट दैट इज द हीमोग्लोबिन, दिस वन। तो दीज आर द सेल्स फाउंड इन ब्लड, जिनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कह रहे हैं, एंड दीज आर द सॉलिड कॉम्पोनेंट्स ऑफ द ब्लड। और यहाँ पर अगर हम देखें प्लाज्मा में इसका लिक्विड पार्ट, थोड़ा सा प्लाज्मा में पहले डिस्कशन कर लेंगे कि प्लाज्मा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है आपके ब्लड का, इसका डिस्कशन करेंगे, इसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, और फिर इसके बाद हम बॉडी सेल्स के बारे में इनके एक एक करके डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये ब्लड का ये लेक्चर लंबा है, थोड़ा दो तीन लेक्चर में कंप्लीट होगा, एक एक घंटे के कम से कम तीन लेक्चर चाहिए ब्लड को ख़त्म करने के लिए। तो इस तरह से सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड प्लाज्मा के बारे में। नाउ कम एंड सी हियर, द प्लाज्मा, द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, यू नो प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, हियर 92% ऑफ ब्लड प्लाज्मा फॉर्म्ड बाय वाटर, पानी होता है। ब्लड प्लाज्मा एक लिक्विड फॉर्म में है तो इसका लगभग 92% पानी होता है। रेस्ट अगर हम 8% कॉम्पोजिशन अगर मटेरियल का देखें तो इसमें दो पार्ट हम कर लेंगे, एक तो प्रोटीन पार्ट है एंड द अदर इज नॉन प्रोटीन, नॉन प्रोटीन पार्ट। Here the protein part, this one is approx 7% and here this one is 1%. हम अगर बात करें प्रोटीन पार्ट की डिटेल में, पहले थोड़ा सा यहाँ मेंशन कर ले रहे हैं कि प्रोटीन्स जो होते हैं ये बेसिकली चार प्रकार के प्रोटीन्स यहाँ पर पाए जा रहे हैं, जिनमें से प्रोथ्रॉम्बिन है, फिब्रिनोजन है, एल्ब्यूमिन है एंड ग्लोब्यूलिन। इस 1% में काफी मिसलेनियस मटेरियल्स हैं तो इनको हम डिस्कशन अलग से करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ये 7% है और इस 7% में चार प्रकार के प्रोटीन्स यहां पर हमने लिस्ट किए हैं, प्रोथ्रॉम्बिन, फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, एंड द अदर पार्ट हियर दैट इज नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट एंड दिस इज 1% ओनली। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द प्लाज्मा प्रोटीन्स इन डिटेल। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में। सबसे पहली प्रोटीन का ही अगर हम बात करें दैट इज प्रोथ्रॉम्बिन, अप्रॉक्स 0.3% होता है टोटल का। जिस 7% की हम बात कर रहे हैं उसमें 0.3% किसका हिस्सा होता है, दैट इज प्रोथ्रॉम्बिन। इट इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर, सिंथेसाइज्ड इन लीवर,
इज अ ब्लड कोआगुलेशन फैक्टर. इट इज अ ब्लड कोआगुलेशन फैक्टर. दिस वन ध्यान रहे, यह एक प्रकार का ब्लड कोआगुलेशन फैक्टर है. आगे बताएंगे इनके बारे में. कोआगुलेशन फैक्टर दिस वन एंड इट इज फॉर्म्ड इनसाइड द लीवर. नाउ द सेकंड प्रोटीन दैट इज, अगर हम बात करें तो यह है फिब्रिनोजन. इट इज ऑल्सो अप्रॉक्स 0.3%, इक्वल प्रपोर्शन इन दोनों प्रोटीन्स का लगभग होता है. इट इज ऑल्सो सिंथेसाइज्ड इन लीवर. इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन लीवर एंड इट इज ऑल्सो द ब्लड कोआगुलेशन फैक्टर. दिस वन इज ऑल्सो द ब्लड कोआगुलेशन फैक्टर. ब्लड कोआगुलेशन फैक्टर दिस वन, राइट. इस तरह से ये दो प्रोटीन जो 7% प्रोटीन का हम देख रहे हैं, उनमें से 0.3% प्रोथ्रॉम्बिन है, 0.3% फिब्रिनोजन है, और रेस्ट अमाउंट में दो प्रोटीन्स होते हैं जिनमें से एल्ब्यूमिन है और ग्लोब्यूलिन है. नेक्स्ट प्रोटीन दैट इज एल्ब्यूमिन. आपके ब्लड प्लाज्मा में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा मात्रा में ये प्रोटीन्स होते हैं, अप्रॉक्स 4% होते हैं. एल्ब्यूमिन वाटर सॉल्युबल, व्हाइट कलर्ड, सिंथेसाइज्ड इन लीवर. ये भी लीवर में ही बनते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में है. जितने प्रोटीन्स हैं उन सब में सबसे ज्यादा, तो मेजर प्लाज्मा प्रोटीन, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि मेजर प्लाज्मा प्रोटीन कौन है, तो क्या बताएंगे आप? इट इज द एल्ब्यूमिन. द मेजर प्लाज्मा प्रोटीन इज द एल्ब्यूमिन. मेजर प्लाज्मा प्रोटीन दैट इज एल्ब्यूमिन. मेजर प्लाज्मा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर BCOP, stands for blood colloidal osmotic pressure. Yes, blood colloidal osmotic pressure, और इसकी जो value होती है approx 35 mm of Hg होता है, mercury. 35 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये प्रेशर डेवलप करते हैं ब्लड का. कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, आप एक्सक्रेशन में पढ़ेंगे, जहां पर ये फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं. ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो ब्लड के गाढ़ेपन के लिए जिम्मेदार होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन. नेक्स्ट प्रोटीन दैट इज ग्लोब्यूलिन. ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स दीज आर ऑफ 3 टाइप, अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोब्यूलिन. अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन एंड गामा ग्लोब्यूलिन, ये 3 कैटेगरी के प्रोटीन्स होते हैं. इनमें से अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन्स जो होते हैं, दीज आर आयन कैरियर. दीज आर आयन कैरियर एंड सिंथेसाइज्ड इन लीवर. कहां बनते हैं? ये लीवर में बनते हैं. लेकिन ये लीवर में नहीं बनता. कौन? गामा ग्लोबुलिन लीवर में नहीं बनता. इसका जो परसेंटेज है अगर हम देखें तो इट इज 2
टू 2.5% अप्रॉक्स होता है, इट इज जस्ट हाफ टू द एल्ब्यूमिन, जितना एल्ब्यूमिन होता है उसका आधा ये पाया जाता है, कौन? ग्लोबुलिन प्रोटीन। आज के हमारे इस लेक्चर में यहीं तक, हम अगले लेक्चर में अपने ग्लोबुलिन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनमें से जो गामा ग्लोबुलिन होता है इसको इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है, एंड दिस विल एक्ट जस्ट लाइक द एंटीबॉडी। ये हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम के जो बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं, ये उनके फॉर्मेशन में योर रोल प्ले करते हैं, इसलिए इनको इम्यूनोग्लोबुलिन IG भी कहा जाता है। तो वी विल कम एंड डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज व्हाट आर दी ग्लोबुलिन प्रोटीन्स, इनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। इतना सारा स्कोप ये नीट के बच्चों के लिए है, मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए है। अभी जब एंटीबॉडी बताएंगे ये भी मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए स्कोप है इसका, जहाँ पर थोड़ा डिफर करेगा हम थोड़ा इसको हायर लेवल पर ले जाएंगे, और हम अपने जो ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स जो हैं UG और PG के, उनके लिए भी इस लेक्चर को खास करके हम डिलीवर कर रहे हैं, तो पर्याप्त उनको भी काफ़ी लाभ मिले इस लेक्चर से, इसका हम ध्यान जरूर रखेंगे। तो जहाँ तक नीट के लिए, वहाँ पर उसके बाद हम आपको फुल स्टॉप बोल देंगे मेडिकल के विद्यार्थियों के लिए। ध्यान रहे बच्चों, आपको जितना काम की चीज़ है वो हम आपको बताते रहेंगे, और बाकी फिर एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये ग्रेजुएशन और PG के बच्चों के लिए होगा, राइट? तो इस तरह से अपने अगले लेक्चर में हम ग्लोबुलिन पर डिटेल फोकस करेंगे कि ग्लोबुलिन क्या होता है, इसका डिटेल, ठीक है? आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल जेनेसिस बायो केयर पर आप जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जो घंटी होती है उसको आप दबा करके हमारा उत्साहवर्धन करें। आपको इस प्रकार से नए नए लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे कंटिन्यूअसली। वी आर हियर टू हेल्प यू, हर लेवल पर हम प्रयास करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से सारे ये मटेरियल्स मिलते रहें, ठीक? थैंक यू।